प्रधान को पता चलता है कि आरोही का एक्सीडेंट हो गया है, इसलिए वो अपनी माँ के साथ हॉस्पिटल पहुंचता है। अब आगे अरहान भागता हुआ हॉस्पिटल के अंदर जाता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जब वह अंदर गया तब सब बहुत रो रहे थे। ये देखकर अरहान की धड़कनें तेज हो गई। अभी तक उसने आरोही को अपने दिल की बात भी नहीं बताई थी। वो किसी से कुछ पूछता इससे पहले ही आरोही को ऑपरेशन थिएटर से बाहर लाया जा रहा था। आरोही के ऊपर व्हाइट चादर डाली हुई थी। जैसे ही स्ट्रेचर अरहान के सामने आता है, आरोही के चेहरे से वह चादर हट जाती है। अरहान उसे एक नजर से देखे जा रहा था। उसके लिए उसकी दुनिया वहीं थम गई थी। अरहान की आंखों से ना ही आंसू निकल रहे थे और ना ही उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन था। वो बस आरोही को देख रहा था। अरहान की माँ जोर से आरोही का नाम लेकर चिल्लाती है, पर अब किसी के हाथ में कुछ नहीं था। आरोही जा चुकी थी। अरहान को यकीन नहीं हो रहा था कि जो शख्स उससे बिना शर्त, बिना किसी एक्सपेक्टेशन से प्यार करता रहा, वह अब हमेशा के लिए चला गया है। अरहान को ऐसे देख उसकी माँ समझ जाती है कि उसके मन में क्या चल रहा है। वो रोते हुए उसके पास आकर जोर से कहती है, अरहान, अरहान, होश में आ बेटा, वो जा चुकी है। आरोही चली गई हमें छोड़कर, वो चली गई है। अरहान शॉक में था। वो एकदम से कहता है, नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता माँ। अभी अभी तो मैंने उससे माफी भी नहीं मांगी, उसे अपने दिल की बात भी नहीं बताई। वो ऐसे कैसे जा सकती है मुझे छोड़कर? ये गलत है, ये गलत है माँ, वो ऐसे नहीं जा सकती मुझे छोड़कर। इतना बोलकर अरहान अपने आप को संभाल नहीं पाता और अपनी माँ को गले लगाकर जोर जोर से रोने लगता है। अरहान ने आरोही के साथ जैसा बिहेव किया, उसके लिए वह खुद को माफ नहीं कर पा रहा था। उसे एहसास हो गया कि आरोही के लिए उसकी नफरत बेबुनियाद थी। सच्चा प्यार क्या होता, इस बात का एहसास करने से पहले ही उसने अपने प्यार को खो दिया। उसे इस बात का अफसोस था कि जब आरोही जिंदा थी तो वो उसे ये नहीं बता सका कि वह उससे कितना प्यार करता था। अरहान को आरोही के बिना रहने का ख्याल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वह अपने कमरे में आरोही को महसूस करता था, उसकी चीजों को गले लगा के उससे बातें करता था। फिर एक दिन उसे वह ड्रॉर में से एक लेटर मिलता है जो आरोही ने उसके लिए लिखा था। वो उस लेटर को ओपन करता है तो उसे पता चलता है कि यह आरोही ने उसके लिए लिखा है। वो शॉक्ड हो जाता है, पर उसे खुशी थी कि उसके पास आरोही का लिखा हुआ लेटर है। वो इमोशनल होकर अपने घर की खिड़की के पास बैठकर वो लेटर पढ़ना स्टार्ट करता है। आखिर आरोही कहाँ जा रही थी कि उसका एक्सीडेंट हो गया, और क्या लिखा था लेटर में, आखिर कौन सा राज छुपा है उस लेटर में। आगे की कहानी जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।